कमिश्नर साहब हैं? हुजूर, कोई बोमकेश बख्शी आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं आपसे टेलीफोन पर बात हो चुकी है। हाँ हाँ, भेज दो अंदर। नमस्कार जी, मेरा नाम बोमकेश बख्शी है, आपसे टेलीफोन पर बात हुई थी। बैठिए बैठिए। धन्यवाद। हाँ कहिए, क्या बात है? चाइना टाउन में जो खून हो रहे हैं, सुना है आप उन्हें लेकर काफी परेशान हैं। आप हमारे टेलीफोन की बातें सुन रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैं तो बाहर था। फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि हम चाइना टाउन में होने वाली हत्याओं को लेकर परेशान हैं? आपकी टेबल पर चाइना टाउन में हुए खून की खबरों के अखबार जो पड़े हुए हैं सर। ओके, जो कह रहे हैं कह डालिए। मेरा ख्याल है कि चाइना टाउन के खून के मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। खूनी को जानते हैं आप? जी जानता तो नहीं, लेकिन जान जाऊंगा। पुलिस खुद परेशान है, अभी तक कुछ पता नहीं चला, और आप जान जाएंगे। कौन है आप? जी हूं तो एक मामूली आदमी, लेकिन जासूसी से जुड़ी हुई समस्या को सुलझाने का मुझे शौक है। कोई पेशेवर जासूस है? जी नहीं, पेशेवर जासूस नहीं है, जाहिर है पुलिस में भी काम नहीं करते, फिर आप कैसे जान जाएंगे? कहा ना, मुझे शौक है, बस कोई भी पेचीदा मामला नजर आए उसे सुलझाने की कोशिश करता हूं। क्या करेंगे आप? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं करते रहिए, मैं आपके बीच नहीं आऊंगा, मैं अपना काम अलग से करूंगा, जरूरत पड़ी तो आपकी भी मदद लूंगा। आपने खुद किसी केस की छानबीन की है? जी कभी की तो नहीं, यही मेरा पहला केस होगा। ओ, लेकिन देखिए ना, मत कहिए, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है, यूं समझिए कि यही मेरा पहला केस है, और फिर बिगिनर्स लक भी तो होता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके काम आऊंगा। मैं चाइना टाउन के खून के मामले में तहकीकात कर रहा हूं, ये राज सिर्फ आपके और मेरे बीच ही रहे, किसी को बताइएगा नहीं। लेकिन आपकी बातों का यकीन कैसे करें? जी आप अपनी तहकीकात जारी रखिए, मैं आपके बीच नहीं आऊंगा, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं आप ही का काम कर रहा हूं, और फिर अगर आप चाहें तो मुझ पर भी निगरानी रख सकते हैं। ओके यंग मैन, गो अहेड। विश मी गुड लक सर। गुड लक ब्योमकेश बख्शी। गुड लक ब्योमकेश बख्शी। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। होता है कभी कभी, मैं दवाई देता हूँ, दिन में दो बार चार चार गोलियां खाना, और हाँ रात को सोने के पहले नमक से दांत मांज लेना, समझे? जी हाँ। ये लेना। और घनश्याम कैसे हो? अनुकूल बाबू डॉक्टर तो अच्छे हैं, कम से कम अपने लॉज के लोगों से दवाई का पैसा तो नहीं लेते। पैसा लेकर करेंगे वो क्या, न बीवी न बच्चे। ये अच्छी कही। जी यहाँ रहने की कोई जगह मिल जाएगी? कहाँ से आए आप? यही कलकत्ते से, रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिलती नहीं, सब फुल। सीजन के बीच में कहाँ मिलेगी, यहाँ भी नहीं है। यहाँ नजदीक कोई और लॉज है क्या? है दो तीन, वहाँ भी मिलेगी कि नहीं कह नहीं सकता। वैसे यहाँ का पता आपको किसने बताया? जी किसी ने नहीं, बस यूं ही देखता हुआ यहाँ से गुजर रहा था, सामने बोर्ड पड़ा अनुकूल लॉज, बस चला आया। हमारे यहाँ सिर्फ 5 कमरे है, जहाँ लोग सालों से रह रहे हैं। पिछले महीने रामेश्वर बाबू रिटायर हो गए, तब जाके एक कमरा खाली हो गया। ये अजीत बाबू 7 महीने से चक्कर काट रहे थे, वो रूम ही नहीं दे दिया। फिर तो वही गंदे मोहल्ले में रहना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं, सिर्फ डर लगता है जो थोड़ा बहुत रुपया है कहीं चोरी ना हो जाए। 3-4 महीने के बाद एक चक्कर लगा लीजिए,
अगर कोई रूम खाली हो गया तो ठीक है। एक गिलास पानी मिलेगा जी? हाँ क्यों नहीं। आपके ध्यान में है कोई जगह? नहीं कोई खास जगह तो नहीं। वैसे यहाँ के कमरे काफी बड़े हैं। हाँ बड़े तो हैं। एक कमरे में दो दो आदमी नहीं रह सकते? शायद कोई राजी नहीं होगा। आप चाहे तो मेरी मदद कर सकते हैं। जी मैं कमरे का पूरा भाड़ा देने को तैयार हूँ, प्लीज। लेकिन आपको मेरे साथ रहने में परेशानी होगी। जी परेशानी की क्या बात है, लेकिन और पूछ पूछ फिर ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। कितना एडवांस चाहिए आपको? अरे अभी रहने दीजिए, जल्दी भी क्या है, और फिर एडवांस तो लॉज के मालिक को देना है। अच्छा पानी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज कुमार कहाँ काम करते हैं आप? बस रहने की जगह मिल गई, अब काम भी मिल जाएगा। वैसे नौकरी की उम्मीदवारी कर रहा हूँ। आप अजीत? अजीत कुमार बनर्जी। कहाँ काम करते हैं? कहीं नहीं, तभी तो यहाँ बैठा हूँ बेकार। वैसे लिखने का काफ़ी शौक है मुझे, मैगजीन पत्रिकाओं में कभी कभी कुछ छप जाता है। डॉक्टर बाबू, इनकी परेशानी देखकर मैंने इनसे कहा क्यों ना हम दोनों एक साथ मेरे कमरे में रहें, ये राजी हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी डॉक्टर बाबू। एक ही कमरे में दो आदमी? हाँ डॉक्टर बाबू, कमरा बहुत बड़ा है और फिर हम दोनों हम उम्र हैं, वक्त कट जाएगा। सोच लीजिए, कोई अपने कमरों में दूसरों को नहीं रखता। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे भी। खैर जब आप दोनों राजी है तो मुझे क्या, आधा आधा पैसा बांट लीजिए। जी जाइए अपना सामान ले आइए। धन्यवाद। कोई पहचानता इसे? चलो पंचनामा बनाओ। अरे इतनी जल्दी आ गए आप? अभी अभी देखा है नीचे किसी गरीब का खून हो गया, लाश फुटपाथ पर पड़ी है। यहां तो आए दिन खून और पुलिस का छापा लगा ही रहता है। हाँ ये देखिए आज की खबर, एक खून चार गिरफ्तार। अजीब जगह, आप लोग यहाँ रहते कैसे, डर नहीं लगता? आज ही के अखबार में आया है यहाँ कोई कोकेन का खुफिया धंधा चला रहा है, सारे शहर में यही कहीं से माल जाता है, यहाँ बेकार और गरीब लोग बहुत है ना उनके जरिए। लेकिन आए दिन खून, इन चीजों से हमें क्या लेना देना, बड़े शहरों में तो ये सब होता ही रहता है। अजीत बाबू इन्हें अपना कमरा दिखाइए। आइए चलिए, इस गधे के बोझ से तो छुटकारा मिले। क्या बात है ईश्वर बाबू? कुछ नहीं यूं ही जरा। आओ ये कमरा मेरा है, यहाँ एक और खाट डलवा देंगे। आप तो यहाँ एक महीने से रह रहे हैं। हाँ यहाँ तो अक्सर खून होते रहते हैं, कभी कुछ देखा है? नहीं। आपकी इस खिड़की से तो नीचे सब साफ नजर आता है, यहीं पे तो देखा सुबह कोई मरा पड़ा है। होगा, हमें तो सब कुछ अखबारों से पता चलता है। अच्छा मनोज बाबू, यहां दोपहर का खाना सिर्फ मैं खाता हूं, बाकी सब लोग 10 बजे तक खा पी कर ऑफिस चले जाते हैं, आप कब खाना चाहेंगे? आज सुबह के खून को लेकर अब तक 4 खून हो चुके हैं। आपको तो लगता है हमसे ज्यादा मालूम है। खैर शाम को 8:30 बजे
सभी लोग इकट्ठा खाते हैं, यही यहाँ का नियम है। अच्छा, आपके मन में कभी कोई दिलचस्पी नहीं पैदा हुई? खूनी कौन है, उसका मकसद क्या है? नहीं तो, लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? सचमुच डर गए क्या? नहीं नहीं, यहाँ वैसे कितने लोग रहते हैं? हम पांच और आप छठे हुए। सबसे पुराना कौन है? मेरे अलावा यहाँ सभी लोग 6-7 साल से रह रहे हैं। आज रात को खाने की टेबल पर सबसे परिचय होगा। अच्छा। ये नौकर के लिए घंटी है। आज आपको कहीं जाना तो नहीं? नहीं, कहीं खास नहीं। क्यों? नहीं, जरा मुझे जाना है, मेरी पब्लिशर से अपॉइंटमेंट है। अच्छा अच्छा। गोपी आओ। गोपी, ये हमारे नए बाबू हैं, मनोज बाबू। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। आज से ये यहीं रहेंगे, यहाँ एक खाट और लगवा देना। जी। और सुनो, आज ये दोपहर का खाना मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। वो खाना आपके लिए यहीं ले बाबूजी। नहीं, मैं वहीं आ जाऊंगा। सब लोग चले गए? जी, सिर्फ वो 2 नंबर वाले बाबू सोए पड़े हैं, वो नहीं गए। 2 नंबर कौन? अरे वही ईश्वर बाबू, जो डॉक्टर के कमरे में आते आते चले गए। ठीक है, वो जाओ। जी बाबूजी, वो चाय ले आओ। अरे हाँ, चाय। नहीं नहीं, आपको जाना है ना। अरे कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। जाओ गोभी, 2 कप चाय ले। अच्छा ऐसा करना, 2 नहीं 3 लाना, और 2 नंबर में, हम वहीं जा रहे हैं। जी बाबूजी। चलो एक बार देख आते हैं ईश्वर बाबू को। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ईश्वर बाबू, मैं हूँ अजीत। क्या काम है? आपसे मिलना है, गोपी चाय लेकर आया है। अरे कहाँ है गोपी? आ जाएगा अभी। नमस्कार। ये हमारे यहाँ नए आए हैं, मनोज बाबू। मेरे साथ ही रहते हैं। अरे चाय क्यों लेके आया? ये बाबू ने ऑर्डर दिया था। चलो चलो, अंदर रख दो। चलो। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। अच्छा ला लो। क्या बात है ईश्वर बाबू? नीचे से डॉक्टर बाबू को बुलाऊं, या आप कहें तो बाहर से डॉक्टर घोष को बुलाता? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आज सुबह भी आप कुछ घबराए हुए थे। घबरा तो सुबह मैं भी गया था। आज पहला दिन है, सुबह आते ही देखा लॉज के बाहर लाश पड़ी हुई।
आ जाओ गोपी। चाय लाओ बाबूजी। बाद में बाद में। ईश्वर बाबू ने फिर तो नहीं बुलाया? नहीं बाबूजी। अच्छा एक बात बताओ, ये एक नंबर में कौन है? घनश्याम बाबू। वही जो अक्सर पान खाते रहते हैं? जी बाबूजी। हाँ। मुझे घनश्याम बाबूजी के लिए रोज सुबह में 20 पान बनाने पड़ते हैं और शाम को 10। अच्छा? बहुत अच्छे आदमी है। हाँ। मुझे कभी कभी बख्शीश भी देते हैं। और कौन बख्शीश नहीं देता? अब उसमें क्या है बाबूजी, जो आदमी बख्शीश नहीं देता ना सही। अब इस कमरे के अजीत बाबू को ही ले लीजिए, वो कभी बख्शीश नहीं देते हैं लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। और खराब आदमी कौन है? अच्छा इधर तीन नंबर में कौन रहता है? जोगेन बाबू। वो अद्भुत आदमी है बाबू, कभी रात के 11-12 से पहले नहीं आते हैं। उनके लिए हमेशा खाना रखना पड़ता है और कभी कभी तो खाते भी नहीं। इतनी रात तक कहाँ रहते हैं? क्या मालूम बाबू, वो खूब कभी कभी तो उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि कमरा किधर है और बिस्तर किधर है। वो तो मैं संभाल लेता हूँ वरना। अच्छा बाकी सब शाम को आ जाते हैं? रात को सभी इकट्ठे खाना खाते हैं। चाय लाऊं बाबूजी? अरे चाय की जरूरत होगी तो हम खुद बता देंगे, तुम बार बार चाय क्यों पूछते हो? वो क्या है बाबूजी की आप सबकी चाय बनती है तो उसमें थोड़ा मुझे भी मिल जाती है। क्या बख्शीश? अच्छा ये इधर वाला पांच नंबर, वो तो कभी किसी से बात ही नहीं करते हैं, बस किताब और किताब हमेशा पढ़ते रहते हैं। और छुट्टी वाले दिन तो नहीं बाबूजी, हम वो नहीं बताएंगे। क्यों, क्या करते हैं छुट्टी वाले दिन? आप यहाँ कितने दिन रहेंगे बाबूजी? रहेंगे बहुत दिन। ये रखो बख्शीश, अब खुश? अच्छा आप बताओ ये पांच नंबर वाले बाबू छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं? बाबू हाँ? वो सुबह से रात के 9 बजे तक कम से कम 10 बार चाय पी जाते हैं। 9 बजे तक क्यों, तुम बाद में भी पिलाते रहो? अरे नहीं बाबूजी, हफ्ते में 3-4 बार रात के 9 से 12 बजे तक बायोस्कोप देखते हैं। और इनके नाम से भी बहुत डर लगता है, भूतनाथ बाबू। भूतनाथ? 9 से 12 सिनेमा? आप ये सब क्यों पूछते हैं, आप भी क्या लिखते हैं? हाँ मैं, और कौन लिखता है? ये कमरे के बाबू अजीत बाबू। अच्छा देखो गोपी, ईश्वर बाबू का जरा ख्याल रखना, उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो उन्हें लाकर देना या तो फिर हमें बताना, और अगर वे बाहर जाना चाहे तो भी हमें बताना। हा? उनकी तबीयत जरा खराब है इसलिए उन्हें बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जी। और सुनो। हाँ। चाय नहीं पिलाओगे? अभी लाया बाबू। ये क्या कर रहे हैं? जी बाबू एक काम कीजिए, जरा ईश्वर बाबू को दिखाइए क्या कर रहे हैं। चाहिए ना प्लीज, दिखाइए। पर क्यों? नहीं चाहिए ना। लेकिन आप यहां लेटे हुए क्या कर रहे हैं? ईश्वर बाबू नीचे डॉक्टर के कमरे में है। तो फिर आपने मुझे ईश्वर बाबू के कमरे में क्यों भेजा? पक्का करना चाहता था वही है कि कोई और है। इधर आइए आप, मेरी जगह पर लेटिए, आपको सब पता चल जाएगा। कभी कभी नींद ना आने पर ऐसा हो जाता है, मैं दवाई देता हूं खाकर सो जाइए। क्या बात है ईश्वर बाबू, इतने परेशान क्यों है? मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़? ईश्वर बाबू अपने कमरे में जा रहे हैं।
ये लो बाबू, गरम है। अरे क्या हुआ ईश्वर, खाना नहीं खाओगे? नहीं घनश्याम, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हा? क्या हुआ ईश्वर, आज सारा दिन घबराया सा है। ईश्वर बाबू क्या हमेशा से ऐसे? नहीं, वैसे इन्हें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही परेशान से है। कब से? सुबह से ही देख रहा हूँ, सुबह भी कुछ नहीं खाया। क्यों भूतन बाबू, आपका क्या ख्याल है? ये ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते। अजीत, अजीत उठो, ईश्वर बाबू दरवाजा नहीं खोल रहे। उठो, चल। ईश्वर बाबू दरवाजा खोलिए ईश्वर बाबू। अरे ये तो 5 बजे सुबह ही उठ जाते थे, आज न जाने क्या हो गया है इनको। हाँ। मेरे ख्याल से दरवाजा तोड़ देना चाहिए। हाँ? क्यों ना पुलिस को खबर दी जाए। अरे पहले देख तो लीजिए क्या बात है, शायद इन्हें पहले डॉक्टर की जरूरत पड़े। हाँ, 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 हाँ। तोड़ दो दरवाजा। हाँ चल, हाँ चल, चलिए चलो। ईश्वर बाबू करीबन 7 साल से हमारे लॉज में रहते थे, हर एक से उनका बर्ताव अच्छा था, कोई भी उनका दुश्मन नहीं था। लॉज का 1 रुपया भी बाकी नहीं रखा था, ना किसी से उधार लेते थे। पिछले 1 साल से वो डायबिटीज के मरीज थे, मैं ही उनका इलाज करता था। कल रात को वो कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। रात को जब वो मेरी डिस्पेंसरी में आए तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन बता नहीं पा रहे थे कि क्या बात है। मैंने सोचा रात में उन्हें आराम करने दूँ, सुबह देख लूँगा, लेकिन आप क्या समझते हैं उन्होंने आत्महत्या की? मैं तो यही समझता हूँ। मैं नहीं समझता, मुझे पूरा यकीन है कि उनकी हत्या की गई है। कैसे? कोई भी शख्स इतनी बुरी तरह अपना गला नहीं काट सकता। हत्या किसने की ये बता सकते हैं आप? जी नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकता। और आप? ऐसी हालत में बड़ा ही मुश्किल है कहना कि हत्या करने की वजह बता सकते हैं? जी नहीं, डॉक्टर बाबू ने अभी आपको बताया कि ईश्वर बाबू डायबिटीज के मरीज थे। अब ऐसे मरीज को रात में अक्सर पेशाब करने जाना पड़ता है, इसी तरह वो दरवाजा खोल के बाहर गए होंगे और हत्यारा अंदर घुस आया होगा। बहुत मसरूफ नजर आ रहे हैं अनुकूल बाबू, क्या नई दवाइयां हैं? हाँ, जर्मनी से आई है। हम ईश्वर बाबू के मौत के बारे में कुछ मशवरा करने आए हैं। अच्छा हो गया आप लोग आ गए, मेरी भी यही इच्छा थी। अब आप ही बताइए घनश्याम बाबू, क्या किया जाए? ईश्वर बाबू तो आपके करीबी दोस्त थे। मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो हम लोग आपके पास आए हैं। मेरे दिमाग में 3-4 बातें घूम रही हैं। क्या? पहली बात ये कि क्या ये हत्या लॉज के बाहर के किसी आदमी ने की है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लॉज का दरवाजा रात को 9 बजे बंद हो जाता है और ईश्वर बाबू की मौत रात 11 बजे के बाद हुई है। अच्छा मान लो कि बाहर का कोई आदमी आ गया हो और हत्या उसने की, लेकिन जिस तरह की हत्या हुई है क्या ईश्वर बाबू चिल्लाएंगे नहीं? आप लोगों में से किसी ने उन्हें चीखते सुना? नहीं, चीख तो कोई नहीं सुनी। इसीलिए मैं समझता हूं कि बाहर का कोई आदमी नहीं हो सकता। अब रहे लॉज में रहने वाले, आप लोग सब तो पुराने रहने वाले हैं, सालों से रह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि आप में कभी कोई मारपीट हुई हो, और फिर ये तो हत्या का सवाल है। हाँ सिर्फ मैं नया हूं, कहीं मुझ पर तो शक नहीं? नहीं नहीं, उस रात ये मेरे साथ मेरे कमरे में थे, और फिर ये क्यों ईश्वर बाबू की हत्या करेंगे? एक और बात है, हमें मालूम है हमारे मोहल्ले में कोकीन का धंधा चल रहा है, लेकिन इसका सरदार कौन किसी को नहीं पता। हाँ अखबार में तो यही कुछ छपता रहता है। मुझे अब ये लग रहा है इस धंधे का सरदार ईश्वर बाबू थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर बाबू को शायद यह शक हो गया था कि वो पकड़े जाएं। हाँ ये हो सकता है, उस रात ईश्वर बाबू बहुत घबरा गए थे, हो सकता है इसी डर से कि कोई उन्हें पहचान गया है और उनका पर्दाफाश जल्द होने वाला है,
इसी घबराहट से वो अपना संतुलन खो बैठे और उन्होंने खुदकुशी कर ली। चलिए यही रिपोर्ट थाने में लिखवा देते हैं। आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट है, आपको इसी समय पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। रामधन सिंह जी गिरफ्तार कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ईश्वर चंद चौधरी की हत्या करने के जुर्म में मनोज कुमार को गिरफ्तार करने का वारंट। आप में से किसी भी दो शख्स को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि यही मनोज कुमार है। चलिए पुलिस स्टेशन। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चलता हूँ। घबराओ मत अजीत, जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलिए ये देखो क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। अरे तू? हाँ मैं। पुलिस ने काफी परेशान किया, बड़ी मुश्किल से छूट के आ रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? वकील के पास। मेरे लिए? हाँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी वकील की। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, आओ। अरे आइए आइए डॉक्टर बाबू, आइए देखिए, खोटे सिक्के की तरह वापस आ गया। आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है। शायद आप निर्दोष भी हैं, लेकिन हमारे लॉज में आपका रहना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पुलिस को मुझ पर शक है, हो सकता है पुलिस आपको भी लपेट ले। आप कहे तो आज ही चला जाता हूँ। क्या कह रहे हैं मनोज बाबू? अजीत बाबू, डॉक्टर बाबू का कहना ठीक है, और फिर इन्हें अपना लॉज भी चलाना है। अरे इस वक्त आप कहाँ जाएंगे, शाम हो गई है। हाँ अगर आप इजाजत दे तो आज रात रह जाऊं, कल सुबह चला जाऊंगा। ठीक है आज की रात रह लीजिए, लेकिन कल सुबह होते कल सुबह जरूर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और फिर मेरी पुरानी जगह तो है ही, जरा कुछ खा पी लूं, फिर आपका हिसाब भी चुकाना है। धन्यवाद, मैं नीचे मेरे कमरे में हूँ। जी बहुत अच्छा। अजीत बाबू खाने के लिए यहीं कुछ मंगवा लेते हैं, जरा आप जाके ले आइए। ठीक है। बैठिए। और ये रही आपकी आज तक की रहने की रिसीप्ट। डॉक्टर बाबू कल से बिल्कुल सोया नहीं, आज खाने के बाद जरा लेटा तो नींद आ गई, उठा तो सर दर्द बढ़ता ही जा रहा है, सोचा कि हिसाब के साथ साथ आपकी दवाइयों का भी इम्तिहान ले लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बदहजमी से सर दर्द हुआ है, मैं अब भी दवाई देता हूँ। ये लीजिए, और आज रात को कुछ न लीजिए, ये दवाई खाकर सो जाइए। अच्छा ये लीजिए आपके पैसे। नहीं नहीं इसके पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैं तो भाड़े के पैसे दे रहा हूँ। हाँ। और अजीत बाबू ये आपके लिए दवाई। मेरे लिए? हाँ तबीयत ठीक रहेगी, सोते समय लेना। ले लो ले लो, होम्योपैथी की दवाई से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये दवा लेने की जरूरत नहीं, और ये रही मेरी पुड़िया, रख दो वहां पे। अब 9 बजे हैं, तुम सो जाओ, 1 बजे से पहले कुछ नहीं होने वाला, वक्त आने पर तुम्हें जगा दूंगा। लेकिन बात क्या है? बहुत कुछ, बस जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। ये चादर पकड़ो।
ये मैं सो रहा हूँ, तुम अपनी जगह पर ही सोना और ये अपने पास रखो अगर जरूरत पड़े तो। ये क्या कर रहे हो? अफसोस की बात है कि आप जैसा धूर्त आदमी हमारी चाल में आ गया। खबरदार, हिलिएगा नहीं और अपना छुरा नीचे डाल दीजिए। मैंने कहा छुरा नीचे डाल दीजिए और हाथ ऊपर कीजिए। अजीत बाबू, उधर की खिड़की खोल दीजिए, नीचे पुलिस तैयार खड़ी है, खिड़की खुलते ही यहां आ जाएगी। पुलिस क्या करेगी? मेरा गुनाह क्या है? कोई खून किया तो नहीं है। गुनाह क्या एक है, लंबी फहरिस्त है। इंस्पेक्टर साहब, इस डॉक्टर बाबू को ब्योमकेश बख्शी का खून करने की कोशिश के अपराध में गिरफ्तार कीजिए। कौन ब्योमकेश बख्शी? मैं। तुम? हाँ। ये सब बकवास है, पुलिस और इस आदमी की साजिश है जो अपने आप को कभी मनोज कुमार और कभी ब्योमकेश बख्शी कहता है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मैं देख लूंगा। अदालतें खत्म नहीं हो चुकी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लंदन तक जाऊंगा, खर्चे की मुझे परवाह नहीं है। खर्चे की परवाह क्यों करने लगे? आखिर कोकेन के धंधे के पैसे जाएंगे कहां? इंस्पेक्टर साहब, ये दवा की पुड़िया भी रखेगा, जरूर इसमें मॉर्फिन मिला हुआ है। नहीं, इन्होंने हमें आज रात खाने के लिए दी थी। इसकी केमिकल जांच करवाइएगा और अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखिए। अरे आ गए। आपने तो कहा था 7-8 दिन लग जाएंगे। हाँ कहा तो था, लेकिन 4 दिन में काम हो गया। कोई आया था? नहीं। ठीक है, जाओ चाय लाओ। जी बैठो। जी ये है मेरे रहने की जगह। जगह तो बहुत अच्छी है। कब से रह रहे हो? 2 साल हो गए। बस कुछ दिन तुम्हारे लॉज में मनोज कुमार बन के रहना पड़ा। ये सत्यन्वेषी क्या है? सत्यन्वेषी ये ऐसा है कि भाई डिटेक्टिव कुछ जमता नहीं और जासूस कुछ पुराना सा लगता है ना, इसलिए मैंने अपना उपनाम यानी के टाइटल सत्यन्वेषी रखा है, सत्य की खोज करने वाला। लो अच्छा चाय पियो। तुम्हारे मोहल्ले में आए दिन खून होने की वजह से अखबारों में काफी टिक्का टिप्पणी चल रही थी। इसी सिलसिले में चाइना टाउन में मैंने 2-3 चक्कर लगाए, इधर उधर तहकीकात की और 2 जगह चुन ली। एक तो रॉयल बंगाल बोर्डिंग हाउस, दूसरा अनुकूल लॉज। पहले तुम्हारे लॉज में आकर रहा, सोचा कि पूरे मोहल्ले की छानबीन यहीं से करूंगा। तब भी थोड़ा सा शक था कि शायद दुश्मन का अड्डा यही लॉज है। फिर उस रात जब ईश्वर बाबू की हत्या हुई, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कातिल डॉक्टर बाबू ही है। कैसे? उस रात करीबन 3 बजे कैसे पता चला कि ईश्वर बाबू ने ये सब देखा? सुनो तो सही, दूसरे दिन सुबह सुबह ईश्वर बाबू डॉक्टर से मिलने आए थे। उस दिन मैं अपना सामान वगैरह लेकर तुम्हारे पास बैठा हुआ था। हमारे सामने तो कुछ कह नहीं पाए, चले गए। दफ्तर से लौटने के बाद डॉक्टर से मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। आखिर मौका मिला रात को। उस समय मैं हमारे कमरे के फर्श पर लेटा बातें सुन रहा था। कल रात करीबन 3 बजे मैंने अचानक अपनी कमरे की खिड़की से देखा कि आप किसी का खून कर रहे हैं। मैं तो हक्का बक्का रह गया, कहीं ये सब गलत है, वो आप नहीं थे।
आप बहुत परेशान लग रहे ईश्वर बाबू, जाइए आराम कीजिए। नहीं डॉक्टर बाबू, कहीं आपने हत्या नहीं की, वो आप नहीं थे, तभी मुझे शांति मिलेगी। नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। लेकिन मैंने ऐसा क्यों देखा? आप बहुत घबरा गए ईश्वर बाबू, कभी कभी नींद ना आने पर ऐसा हो जाता है। मैं दवाई देता हूँ, खाकर सो जाइए और कल सुबह तबीयत ठीक न लगे तो मुझे बताइए। हाँ जाइए अभी। फिर ईश्वर बाबू कमरे में आकर सो गए। करीबन आधी रात या उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर काफी दिनों से कोकेन का धंधा चला रहा था। होम्योपैथी की डॉक्टरी तो सिर्फ दिखावा था, कोकेन का धंधा वो गरीब नौकरों या जरूरतमंद लोगों से करवाता था। कहीं किसी पर शक हुआ, रास्ते से हटा दिया। इसके अलावा किसी ने भी उनका काम 3-4 बार किया, उसे भी मार डालता था। कहीं कभी कोई गड़बड़ न कर बैठे इसलिए। लेकिन वो तुम्हें क्यों मारने आया? तुम तो उसका काम नहीं करते थे। मुझ पर उनको पहली बार शक हुआ जब मैंने कहा कि ईश्वर बाबू की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि खून है। फिर पुलिस ने एक गड़बड़ी की, डॉक्टर बाबू की शिकायत पर यकीन करके मुझे पकड़ कर ले गई। कमिश्नर साहब ने मुझे छुड़वा दिया। जब मैं वापस लॉज आया तब डॉक्टर बाबू को यकीन हो गया कि मैं उनकी कलाई खोलने वाला हूं। उन्होंने मुझे भी मार देना चाहा। मैंने भी उनकी मदद की, जानबूझकर ताला खराब कर दिया, जानबूझकर कहा सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर बाबू मेरी चाल में आ गए, उन्होंने मॉर्फिया का पाउडर दिया मुझे खाने के लिए ताकि मैं सोता रहूं। उन्होंने समझा खुले दरवाजे से आकर बिल्कुल ईश्वर बाबू की तरह मुझे भी मार देंगे। बाकी तो सब तुम्हें मालूम ही है। कमाल कर दिया तुमने मनोज। सॉरी भूमकेश। अच्छा अब मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो? वही लॉज। और कब? अब तो तुम्हें वो लॉज छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा यहीं आ जाओ मेरे साथ। मैंने तुम्हें लॉज में रहने दिया, वो कर्जा चुका रहे हो। ऐसी बात नहीं है, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लग रहा है कि अकेले कुछ अच्छा नहीं लगे। सच? बिल्कुल सच। फिर तो मैं अपना सामान लेकर यहीं आता हूँ। साथ मेरा सामान भी ले आना, वहीं पड़ा है।